हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मेरे बच्चे, बहुत लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जो लोग नास्तिक है, जो भगवान की ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, फिर भी वे जीवन में इतने सुखी हैं, जबकि जो लोग दिन रात ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में ज्यादा दुख और परेशानी आती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान अपने भक्तों के जीवन में इसलिए समस्या और दुख देते हैं कि वे उनके भक्त हैं? क्या वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? जबकि भक्त भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में आने वाले दुख और तकलीफ कट सकें, उन्हें जीवन में सारी सुख मिले। तो इस सवाल का जो जवाब है, वह मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज्यादा दुखी रहते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो बाद में पछताओगे। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि कर्म प्रधान है, कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। हम भगवान के भरोसे बैठे हैं कि भगवान मेरा यह काम बना दे। हो सकता हो कि भगवान तुम्हारे भरोसे बैठे हो, उनका भक्त कुछ कर्म करें तो फिर मैं उसका साथ दूं। हम सोचते हैं कि पहले वह दे तो हम कुछ करें, और भगवान सोचता है कि पहले यह कुछ करें तो मैं कुछ दूं, और इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष भगवान को देता है कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे। मैं तो दिन रात भगवान का नाम लेता हूं, रोज मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं, फिर भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मेरे बच्चों, तुम्हें बता दूं कि जो लोग नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज का पता होता है कि मुझे काम करना है और अपना जीवन सुधारना है। जितना काम करूंगा उतना पैसा आएगा, काम करूंगा तभी सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, काम करके ही जीवन में सफलता मिलेगी, यानी मैं करूंगा तभी जीवन में चीजें होंगी, वरना नहीं होंगी। लेकिन जो लोग भगवान को मानते हैं, वह अपने आप को आगे ना रखते हुए भगवान को आगे रखते हैं। वही होगा जो भगवान चाहेंगे। वह चाहे तो मेरी गरीबी मिटा सकता है, भगवान चाहे तो मुझे गाड़ी, बंगला, पैसा सब दे सकता है। भगवान चाहेगा तो मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएंगे, हर चीज वह भगवान के भरोसे ही छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता कि आप भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो कोई पैसों की बारिश होगी। ऐसा होता तो सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ भगवान के सामने ही सारा दिन बैठे रहते हैं कि पैसा तो अपने आप ही मिल जाएगा, तो काम करने की क्या जरूरत है। भगवान चाहेगा तो कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, हर चीज आसान हो जाएगी, घर में अनाज भर जाएगा। तो जिन लोगों की ऐसी सोच होती है कि भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तो जिन लोगों की ऐसी धारणा है तो वह गलत है। अब यह जानते हैं कि जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वह हमारी मदद कैसे करते हैं, भगवान हम पर कृपा कैसे करते हैं। मेरे बच्चे, जब हम कर्म करते हैं तो भगवान हमें बरकत देते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 है और पहले आपके घर खर्च में पूरी सैलरी खत्म हो जाती थी, बल्कि कम पड़ जाती थी। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तभी इसी सैलरी में हमारा घर बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि फिजूल खर्ची बंद हो जाती है, रोग बीमारी में पैसा लगना कम हो जाता है। इसी वजह से इसी सैलरी में आपका घर अच्छे से चलता है, बल्कि इतने पैसों में घर में बरकत भी बनी रहती है। ये काम भगवान करते हैं। भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नास्तिक लोग आस्तिक लोगों से ज्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं, वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हें पता होना चाहिए कि भगवान तुम्हारे लिए क्या करते हैं। भगवान तुम्हें बरकत देते हैं, नौकरी व्यापार में तुम्हें तरक्की देते हैं, मुसीबतों से तुमको बचाते हैं, घर की सुरक्षा करते हैं ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश ना करे। इसीलिए तुम्हें बता दूं कि भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ तुम कर्म पर ध्यान जरूर दें कि तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो भगवान तुम्हें उसको पाने में मदद जरूर करेंगे। लेकिन बैठे बैठे वह चीज तो भगवान तुम्हें नहीं देगा, इसीलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो, फिर तुम देखना कितनी जल्दी तुम सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे, तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगे। ये बात इस वीडियो को शेयर करके सबको बताओ ताकि सबकी गलत फहमी दूर हो जाए, और इस वीडियो को फॉलो, लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।